दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी एनपीके 12:61:0 के बारे में। फसलों में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों यूज करना चाहिए, परफेक्ट डोज क्या है, सावधानियां क्या है, कौन सी स्टेज में फसलों में यूज करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो दोस्तों एनपीके 12:61:0 बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, आप किसी का भी यूज कर लें, सभी का सेम रिजल्ट आता है। एनपीके 12:61:0 यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें आता है, पोटास इसमें नहीं आता। नाइट्रोजन 12% आता है, फास्फोरस आता है 61%, एनपीके 12:61:0। अब अगर इसके बेनिफिट की बात करें कि एनपीके 12:61:0 को फसलों में क्यों यूज करना चाहिए। नाइट्रोजन एक प्राइमरी पोषक तत्व होता है, यानी कि पौधे को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का उपयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही पौधे एमिनो एसिड और क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, जिससे कि पौधे हरे भरे रहते हैं। यानी फसलों के अधिक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकले, ब्रांचेज ज़्यादा निकले, हाइट अच्छी जाए, फसल हरी भरी रहे, उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और किसान फसलों में नाइट्रोजन का यूज करते हैं। फास्फोरस के बेनिफिट की बात करें तो फास्फोरस से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट पौधे में मिलता है कि जड़ों का विकास, रूट डेवलप के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगर ज्यादा जड़ों का विकास होगा, ज्यादा दूरी में जड़ें फैलेंगी तो ज्यादा पोषक तत्व अपटेक कर पाएगा पौधे और पौधे में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आएगी, फ्लावर्स ज्यादा आएंगे, फल अच्छे लगेंगे, फलों की साइज अच्छी बनेगी। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आएगी तो फसल में बहुत तरीके के बेनिफिट ही बेनिफिट मिलते हैं। तो रूट डेवलप के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उसके साथ ही स्टेम में मजबूती मिलती है। यानी कि अगर आप ऐसी फसलें जैसे गेहूं धान वगैरह उनमें अगर आप यूज करते हैं तो फसल गिरती नहीं है, स्टेम में मजबूती मिलती है। जैसे फ्लावर वाली फसलें हैं, मैरीगोल्ड वगैरह, तो उनमें भी ज़्यादा जब फ्लावर लग जाते हैं तो पौधे गिरने लगते हैं, तो वो समस्या देखने को नहीं मिलती, इसलिए फास्फोरस का यूज किया जाता है। सेल डिविजन यानी कोशिका विभाजन के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से फास्फोरस के बहुत बेनिफिट हैं फसलों में। एनपीके 12:61:0 को कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं? दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में जरूर यूज करना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर यूज करना चाहिए। तरबूज खरबूज में इसका यूज किया जाता है, उसके साथ ही बागवानी में यूज कर सकते हैं। फ्लावर वाली खेती, फूलों वाली खेती, जैसे मैंने आपको मैरीगोल्ड वगैरह बताया, इनमें इसका यूज किया जाता है। रबी खरीफ की फसलों में यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों में इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों 12:61:0 को कौन सी अवस्था में यूज करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी चाहे फर्टिलाइजर आप यूज करें, उसका एक परफेक्ट टाइमिंग होता है कि उस टाइम आप यूज करेंगे तो फसलों में 100% उसका रिजल्ट मिलता है, फसलों में अच्छा ही उसका फायदा होता है। तो आप इसको यूज करने का बिल्कुल परफेक्ट समय है कि जब फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, फ्लोरिंग स्टेज शुरू होने वाली है, ये शुरू हो चुकी है, एक दो फ्लोवर देख रहे हैं, उसी टाइम आप यूज कर लें। यानी कि फ्लोरिंग स्टेज से पहले पहले और वेजिटेटिव ग्रोथ से बाद में, बीच के समय में आप यूज करेंगे तो रूट डेवलप अधिक होगा, अच्छा होगा। रूट डेवलप अगर मजबूत होगा तो फ्लोवर्स ज्यादा मात्रा में आएंगे, पौधे ज्यादा पोषक तत्वों का अपटेक करें और फ्लोरिंग स्टेज में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी पौधे में देखने को नहीं मिलती, इसलिए फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप इसका यूज कर लें। टाइमिंग की बात करूँ दोस्तों, तो टाइमिंग है कि जर्मिनेशन के 20 दिन बाद से फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। एनपीके 12:61:0 की परफेक्ट डोज क्या होती है? फसलों में अगर आप ड्रिप से चला रहे हैं, ड्रिप से खेती करते हैं, जैसे सब्जी वर्गीय फसलें हैं या कोई सी भी फसल है जिसमें आप ड्रिप से चला रहे हैं, तो 1 एकड़ के लिए 4 से 5 kg आप यूज करें, ड्रिप से आप चलाएंगे, यानी कि रूट में जाना चाहिए। अगर आप ड्रिप से नहीं चला रहे, स्प्रे करना चाह रहे, और स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जो 15-16 लीटर का टैंक आता है उसमें आप 80 ग्राम डालें, बिल्कुल परफेक्ट डोज यही है, 80 ग्राम डाल करके आप अपने फसल में स्प्रे करें। 1 एकड़ के लिए आप स्प्रे के लिए 1 kg तक यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें तो सल्फेट नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ आप यूज ना करें, सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा कि आप सिर्फ इसी का यूज करें, तो आपको 100% और अच्छा रिजल्ट फसलों में तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा।
दोस्तों हम हमारे अक्सर हर वीडियो में यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिक्स आप ना करें, कि इसके साथ में ये भी मिला लें ये भी मिला लें। आप अगर ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो एक बार आपने ये फर्टिलाइजर दे दिया, उसके 5-4 दिन बाद में आपने दूसरा फर्टिलाइजर दे दिया, तो मिक्स भी नहीं हुआ और उनका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आप ज़्यादा मिक्स ना करके सिर्फ इसी का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को अब मिलेगा। इसकी विशेष सावधानी क्या है? विशेष सावधानी के तौर पे कि अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, जिस भी विधि से आप पानी चला रहे हैं, तो पानी के साथ में, यानी कि अगर आप इसको रूट में देंगे, कोई सा भी फर्टिलाइजर हो, जैसे 0050 है, NPK 1919 है, 12-61-0 है, जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, इनकी अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं फसलों में तो रूट में आप चलाइए। स्प्रे से बेस्ट है कि आप रूट में चलाइए, क्योंकि डोज अगर थोड़ी कम ज्यादा भी हो जाती तो भी इनके पॉजिटिव रिजल्ट फसलों में देखने को मिलते हैं। स्प्रे से दोस्तों अगर आपकी डोज कम ज्यादा हो जाती तो फसल जल भी सकती है, फसलों में नुकसान भी देखने को मिल सकता है, तो कोशिश करें कि आप रूट में ही दें। और स्प्रे के लिए विशेष सावधानी दोस्तों, या तो आप अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करेंगे या लेट इवनिंग में स्प्रे करेंगे। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।